ये देखो, इस दुकान का नाम नहीं है। यहाँ पे कपड़े देखो यार, लेवल के। ओहो, ऊँट देखो। चलिए, सारे मतलब शायद मगरिब की अदान होगी, हम इफ्तारी करेंगे। इफ्तारी के बाद 2 घंटे पे हमें मजीद इंतजार और करना होगा। अच्छा, ये बिल्कुल सेंटर मॉल है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है केक्स एंड बेक्स। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुक्र जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। हेलो गाइस, इट्स हामिद एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो यार, आज के व्लॉग के अंदर हम लोग जा रहे हैं, जा तो नहीं रहे, मतलब मैंने कहा था ना 8-4 घंटे का हमारा स्टे है। तो अभी हमारा शायद मगरिब की अदान होगी, हम इफ्तारी करेंगे। इफ्तारी के बाद 2 घंटे पर हमें मजीद इंतज़ार और करना होगा फ्लाइट का, क्योंकि डायरेक्ट सऊदी अरेबिया में जाएंगे। और यहाँ पे आप देखो, मैं इस पर चढ़ रहा हूँ, नहीं वहाँ से चलता हुआ आ रहा है। और अभी जो मैंने सोचा है ना, वो आपको ये सोचा है कि मैं आप लोग को ओमान की, जो ओमान का जो एयरपोर्ट है, उसकी थोड़ी शॉपिंग दिखा दूँगा आपको, कि वहाँ पर चीज़ें कितने की हैं, क्या मिल रहा है वहाँ पे, हर चीज़ आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। हम यहाँ से भी ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर का जो जो रूफ है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही जो हाई क्वालिटी और मज़े वाली चीज़ें लोगों ने बनाई हुई है। और ये लिफ्ट वगैरह बनाई हुई है लोगों ने, और ये एलईडी वगैरह मार्केट वगैरह करी हुई है लोगों ने। और ये देख लो, ये भी अच्छा। ये बिल्कुल सेंटर मॉल है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है केक्स एंड बेक्स। ये यहाँ पर अगर मैं एक रेट पूछूं तो पता नहीं कितने का रेट होगा। रेट पहले पूछता हूँ, आपको बताता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पे ये चीजें, सब लेवल गए हैं यहाँ पे, तो फिर टाइट वाला माहौल है। ये देख लो भाई, मैम डू यू हैव अ कॉफी, हाउ मच प्राइस, हाउ मच। कॉफी सर 2 या 7 रहेगा, 2 या 7 रहेगा। ये देख लो भाई, चलो भाई वहां तो पूछ लिया। वहां पर शायद बोला कि 1 कॉफी 2 रियाल, मतलब पाकिस्तानी के हिसाब से लगा है तो अगर 1.75 है तो फ्री साहब लगा लो। यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं, ये पता नहीं क्या क्या है। और यहाँ पर यहाँ पर 10% ऑफ है, मतलब आपको सब, मैं आपको उसका बाहर से दिखाता हूँ, मैं तो अंदर से दिखा दिया। हाँ, पर समझ नहीं आया क्या है क्या ये, अंडरस्टैंड। बाकी यहाँ पे ये चीजें मिलती है, और सामने है ये देखो मस्कट ड्यूटी ड्यूटी फ्री। लगता है यहाँ पर हमको, लगता है फ्री में चीज़ें मिलेंगी, वो भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर शायद परफ्यूम की दुकान है, परफ्यूम चेक करो यार। कितने रियाल की, देखो ये है 100 ml की, 47 प्राइस, और USD के हिसाब से 123। आई थिंक रियाल की बात हो रही है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे ये देखो, आई थिंक ये लेडीज का है, इधर इधर लेडीज का है, शायद इधर जेंट्स का है। यहाँ पे सबने खुला रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे
मैं काफ़ी लड़कियों की है यार, बाहर निकलो यहाँ से। तो काफ़ी कुछ दिखा दिया, अब एक चीज़ और बाकी है वो दिखा देता हूँ। अच्छा, शेयर योर एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये है। अच्छा, यहाँ पर सर्विस एक अच्छी है। यहाँ पर ना मतलब किसी को वाईफाई चाहिए होता है, वो पहले अपना पासपोर्ट देता है, उसके बाद जाके उसको वाईफाई मिलता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरफ मनी एक्सचेंज होता है, यानी पाकिस्तानी से सऊदीया में पैसे रियाल चेंज हो जाते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये सीटिंग है, आपको दिखा दिया। अच्छा, आपको जो वो सामने जो दिख रहा है ना, वो है वाईफाई का। हमने वाईफाई वगैरह सब सब ओपन कर लिया है, जब ये दिख रहा है, वरना फिर दिखता नहीं है। ये आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर हर किसी को डिफरेंट पासवर्ड मिलता है, यानी यहाँ पे लेके यहाँ पे इंग्लिश कर दिया, यहाँ प्रेस टू स्कैन, और इस तरफ पासपोर्ट वगैरह डालते हैं, ताकि ये अगर मैं पासपोर्ट डालूंगा ना, तो यहाँ पर डिफरेंट आएगा, पासवर्ड आएगा, और उससे आपका नेट वगैरह खुल जाएगा। एक चीज़ की बहुत अच्छी रहती है, वो है कि यहाँ पर जो तो सिटिंग एरिया है ना, बहुत ही लेवल का है, और इसके बिल्कुल बैक साइड पे परफ्यूम वगैरह की दुकान है। ये देखो सिटिंग एरिया, ये बिल्कुल यहाँ पे परफ्यूम वगैरह दुकान है उस तरफ, और यहाँ पीछे देखो नूर, और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये देखो दुकान है। आई थिंक ये, हाँ, ये खाने वाने की दुकान लगती है। यहाँ जिसको खाना खाना है वहाँ सकता है। यहाँ की जो डिजाइनिंग बड़ी VIP है। अच्छा, इस वक्त हमारी जो फ्लाइट है वो हाँ अरबी इंग्लिश यहाँ पर है ना, सऊदी 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 है ही नहीं। आप लोगों को दिखा तो मुझे कमेंट कर देना, मेरे को तो फिलहाल नहीं दिख रही, क्योंकि अभी हमारी फ्लाइट को 4 घंटे बाकी हैं। अच्छा, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे है, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे है, ये है द नेशनल म्यूज़ियम, वो भी उसका है, ओमान का, मस्कट का। तो यहाँ पर पहली चीज़ आती है द डिबा हॉर्ड, ये देखें, ऐसा जूम नहीं हो रहा। हाँ, ये देखें, और सेकंड चीज़, ये क्या चीज़ है, ये सेम पीरियड ग्लास जा रही है, गिलास जा रहा है, ये देखो ना, पुराने ज़माने की चीज़ें। अब पुराने पुराना ज़माना है, नया ज़माना है। ओ, यहाँ पे, अच्छा पहले ये दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, आई थिंक इसके ऊपर क्या खाना वाना खाना खाते हैं क्या, शेख सर मुबारक मुबारक बिन अली अल हनीवा। अबे क्या क्या लिखा हुआ है, चलो जो भी अपन क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, यहाँ पे नहीं क्या है, और इस तलवार आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अच्छा अब लास्ट चीज जो सबसे बड़ी है वो आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो इतनी बड़ी कश्ती, कुछ लिखा हुआ भी है अरबी में, समझ नहीं आ रहा है। नहीं है, अब ये चीज़ दिखा दी। अब सामने कैफेटेरिया एरिया है, और यहाँ पर माइकल, क्या नाम है इसका, माइकल कॉर्न्स है। यहाँ पर लेडीज़ के पर्स वगैरह मिलते हैं, और यहाँ पर जो मेरा दोस्त भी खड़ा हुआ है, ये देखो आपसे मुलाकात भी कर लो। यहाँ पर क्या है, ये कौन सी जगह है, तो नाम ही नहीं है इसका, तो वाह। चलो, यहाँ पर एक अंकल से मुलाकात कर लेते हैं। आए ब्रो, हाँ भाई, हो बात नहीं कर रहा फिलहाल वो। यहाँ पर ये चीज़ें देख लें, यानी ओमान में लेवल, हर चीज़ है ओमान के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ये शायद एक एरिया है, नो यहाँ पे मना कर रहे हैं वो,
तो यहाँ पे तो यहाँ मना कर दिया, लेकिन सामने आपको जो दिखाऊंगा ब्यूटीफुल चीज़ वो आप देखें, आपको चस आ जाएगी। बोलेगा ये जगह पूरी पूरी बैठने की है, मतलब यहाँ पर सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठो मज़े करो। हम लोग यहीं बैठे हुए थे, यहाँ पर ये ग्लासेस वगैरह हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के। और ये भी देख लो, और सबसे जो अच्छी और मुझे तो सबसे अच्छी चीज लगती थी वो ये थी। ये ऐसे क्या प्राइस है? इसके प्राइस नहीं लिखे हुए। बाकी सबसे अच्छी चीज मेरे को लगती थी कि ना थोड़ा कंफर्टेबल रहता था बंदा, आराम से ऐसे सुकून से ऐसा आ जाती थी उसको। यहाँ पर लोग बिजनेस का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जूली वगैरह है, और ये है ऊपर जाने का। सही है, ये देखो इस दुकान का नाम नहीं है। यहाँ पे कपड़े देखो यार लेवल के, ओहो ऊँट देखो। चलिए सारे स्टोरी बुक्स है, और यहाँ पे ये आई नहीं पता सब क्राफ्ट क्या हुआ इन लोगों ने। ये देखें ये दोस्त नहीं है भाई, जो चीज हम लोग बनाते थे वो यहाँ पे खुद बनी हुई है, यानी कि जो फोटोशॉप पे कैनवा पे इलस्ट्रेटर पे जो बनते थे हम जो बनाते थे यहाँ पे खुद बना हुआ है भाई। ये देखो ये रमजान वगैरह का है, ये शॉल वगैरह है, ये शायद इत्र वगैरह है, इत्र है शायद क्या है। अच्छा कैमिल मिल्क शॉप है यहाँ पे। एक चीज और ये है, यहाँ पे मिठाई वगैरह है, बाय थ्री गेट वन फ्री बेहतरीन। और यहाँ पे मैं आ गया, क्या यहाँ पे ये देख ले, मतलब ओमान में हम जो एक ओमान एयरपोर्ट भी हमारा बन गया, और साथ ही साथ मॉल भी बन गया। ये देख लो ये सीटिंग एरिया, आई थिंक सीटिंग एरिया नहीं है, हम लोग ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं चाय वगैरह पीते हैं। अच्छा अब हमारा टाइम हो गया ओवर, अब हमको जाना है, तो हम सीधा निकलते हैं यहाँ से नीचे जहाँ से हमने नमाज स्टार्ट करी है, क्योंकि शायद फजर का टाइम, ओह सॉरी मगरिब का टाइम भी हो गया है। तो मैंने आपको काफ़ी हद तक चीज़ें दिखा दी हैं ओमान की, मतलब है ओमान एक लेवल का है, जस्ट आती है ओमान को देख के हम बराबर नहीं उतरते। सही है, ये तो वही इंटरनेशनल म्यूजियम ही है जो कराची में भी है यहाँ पर भी है। अच्छा वहाँ तक हो गया था, और अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा नीचे। सही है, जहाँ से ऊपर थे जहाँ से नीचे जाएंगे, तो बराबर चलते हैं। अच्छा यहाँ पर ये है गेट वन, मतलब गेट ए हो गया आपका, वहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये देखो हम जहाँ से आए थे वहीं से जा रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज मैंने इस ब्लॉग के अंदर आपको ओमान का टूर करवा दिया एयरपोर्ट का, मेरे को लगता है ये एयरपोर्ट है ही नहीं, एयरपोर्ट शायद बाहर से, अंदर से पूरा मॉल है ये। जिस तरह से सेंट्रल मॉल है, सिटी शॉपिंग मॉल है, इस तरह से ये भी एक बहुत ही बड़ा मॉल है। यहाँ पर समझो मोबाइल तक मिल जाता है, यहाँ पर लेडीज की जो जितनी भी आइटम्स होती हैं वो सब मिल जाती हैं, बॉयज़ की जितनी भी केप वगैरह हो गई, लड़की लिपस्टिक होता है, पर्स वगैरह होता है वो सब। लेकिन यहाँ पर ना हर चीज़ मिल जाती है लेवल के यहाँ पे यार। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। ऐसी इन्फॉर्मेशन और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब से भर दें। अल्लाह हाफिज़।